Hi students, welcome at KidCan Digital Learning. I'm your science teacher. Today I'm presenting you lecture number 1, Human Organ System, from your book Wonder of Science, Book 8, published by Oxford University Press. All living things are made up of different organs which perform different tasks. These organs work in unison. Their coordinated functions are controlled by the nervous system, which is composed of special nerves called neurons. The nervous system is divided into two parts, the central nervous system and the peripheral nervous system. Let us first study the nerve cell. हम न्यूरॉन्स को समझ लेते हैं. न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. न्यूरॉन आर स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी. आपको यहाँ पर एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा. यहाँ फोर पार्ट्स हैं, डेंड्राइट, सोमा, न्यूक्लियन एंड एक्सॉन. डेंड्राइट का वर्क क्या होता है? डेंड्राइट का वर्क होता है जो दूसरे न्यूरॉन से आ रही इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र करना. एक्सॉन का वर्क होता है कि वो ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन करता है सेल बॉडी में, यानी जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे मसल्स को मिलती है वो डेंड्राइट से होता हुआ, एक्सॉन से होता हुआ हमारे मसल्स तक आता है. देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन्स. लेट अस फर्स्ट स्टडी सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी नर्व दैट कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द कंट्रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है कि वो हमारे ऑर्गन से इंफॉर्मेशन देके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाता है, यानी कि हमारे ब्रेन तक पहुँचाता है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी गर्म सरफेस को हाथ लगा लेते हैं, आपके फिंगर टिप से अगर आप उसको टच करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी पहुँचती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारी ब्रेन तक, और हम अपना हाथ उस गर्म सरफेस से मूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं. तो ये हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स का काम होता है कि हमारा सेंस से इंफॉर्मेशन लेकर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचा. बात आ जाता है हमारा मोटर न्यूरॉन्स. मोटर न्यूरॉन्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स एंड ग्लैंड. मोटर नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? मोटर न्यूरॉन्स का काम ये होता है कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानी हमारी ब्रेन से मैसेज लेके हमारे ग्लैंड्स, हमारे मसल्स को पहुंचाते हैं. सबसे पहले हमारे कोई मैसेज आता है ब्रेन से, वो आता है अपर मोटर न्यूरॉन में, उसके बाद वो आता है लोअर मोटर न्यूरॉन्स में, उसके बाद वो सेल से होता हुआ, सोमा से होता हुआ, एक्सॉन के थ्रू हमारे ग्लैंड्स में आ जाता है. Hope you enjoyed and learned basic concept of this topic. Don't forget to find answers of these questions and find and write answers of the question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks as total 10 marks in your final term exam based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye-bye.